प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वक्त बदला, हालात बदले, हिंदुस्तान ने रात दिन तरक्की की, पर ये कहावत ज्यों की त्यों है। हमारा पड़ोसी मुल्क आज भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। न मौका न दस्तूर, बस फजूलियत में पाकिस्तान हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की जुगत में लगा रहता है, लेकिन वो आदत मुंह की खाने की भी है जो कभी नहीं छूटती। एक बार भी जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की है तो बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने जबरदस्त जवाब देकर बोलती बंद कर दी है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ शहरों में पोस्टर्स लगाए गए, इनमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गईं। पोस्टर में दिख रही तस्वीर लाहौर के महासचिव मियां मोहम्मद उस्मान की है। इसके साथ जिन्ना की तस्वीर भी पोस्टर में नजर आ रही है। नीचे की तरफ तिरंगा दिख रहा है जिस पर क्रॉस लगा हुआ है। इन पोस्टर्स को पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर लगाया गया है। इनमें लिखा है, हिंदू बात से नहीं लात से मानता है। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार नायला नियायत ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि कश्मीर दिवस पर पीटीआई के लाहौर जनरल सेक्रेटरी, हिंदू बात से नहीं लात से मानते हैं, यह आपके लिए नया पाकिस्तान है। इस पोस्टर्स पर परेश रावल ने जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए परेश रावल ने ट्वीट किया, हाँ बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पहले से ही अपने घुटनों पर हैं, लात नहीं मार सकते। परेश रावल ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वो खुलकर अपनी बात रखने में माहिर हैं। वहीं सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के बाद हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले पोस्टर को लेकर पाकिस्तान के मंत्री उस्मान ने सीमा के दोनों ओर शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे सभी हिंदुओं से ट्विटर पर माफी मांग ली है। बता दें, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इन दिनों काफी खराब है। महंगाई और कर्ज ने मुल्क की कमर तोड़ कर रखी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बढ़ रही महंगाई दर अब 14.56% तक जा पहुंची है। बीते एक साल में दूध, रोटी, नान, ब्रेड, मक्खन, मटन, चिकन, फल और सब्जी के दामों में जबरदस्त उछाल हुआ है, और ऐसी स्थिति इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद में हुई है।